हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SS फाउंडेशन पे। तो आज हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर, जिसका नाम अ लेटर टू गॉड है, उसका आज हम डिटेल समरी करने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मैं अपने चैनल पर नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। लेंचो वॉज ए डेडिकेटेड एग्रीकल्चरिस्ट। जो लेंचो था वो एग्रीकल्चर पर एक आश्रित एक किसान था। ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए डिसेंट हार्वेस्ट। वो एक अच्छे फसल की कटाई की उम्मीद कर रहा था। एट सडनली अ हेल स्टोन केम एंड डिस्ट्रॉयड हिज हार्वेस्ट टोटली। तभी हेलस्टोन आया और उसके जो क्रॉप था उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लेंचो वॉज वेरी सैड। लेंचो बहुत उदास था। ही हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड। उसको भगवान पे पूरा विश्वास था। ही वॉज श्योर दैट गॉड विल डेफिनेटली हेल्प हिम। उसको पूरा भरोसा था कि भगवान उसको जरूर मदद करेंगे। ही वॉज एन एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। वो एकदम ही सरल व्यक्ति था। ही कंपोज अ लेटर टू गॉड। उसने एक लेटर गॉड को लिखा। इन द लेटर ही आस्क्स गॉड टू सेंड हिम 100 पैसोस। उस लेटर में उसने गॉड को लिखा था कि उसको 100 पैसो भेज दीजिए। एट दैट पॉइंट ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस एंड पुट द लेटर इन टू द पोस्ट बॉक्स। और उसी समय उसने पोस्ट ऑफिस में गया और उस लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। ठीक है। द पोस्टमैन रिमूव द लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स। द पोस्टमैन था वो लेटर को लेटर बॉक्स से निकाला। ही रेड द एड्रेस ऑन इट। उस पर जो एड्रेस लिखा था उसने वो एड्रेस पढ़ा। एंड लाफ्ड बैडली। अब बुरी तरह से हंसने लगा। वेन ही रश टू द पोस्ट मास्टर। जब वो पोस्ट मास्टर के पास गया एंड डेमोन्स्ट्रेटेड टू हिम द स्ट्रेंज लेटर और उसको इस स्ट्रेंज लेटर को दिखाया। द पोस्ट मास्टर ऑल्सो क्लर्क। पोस्ट मास्टर भी हंसा। इन द सेम वे उसी प्रकार दे वेन ही सोज द एड्रेस ऑफ गॉड। जब उसने गॉड का एड्रेस देखा। When he read the letter, जब उसने उस लेटर को पढ़ा, he got very serious, वो बहुत सीरियस हो गया। He lauded this man who had extraordinary confidence in God, उसने उस आदमी की विश्वास की सराहना किया जो जो व्यक्ति के गॉड पे इतना विश्वास है। He decided to help him, उसने उस व्यक्ति की मदद करने के लिए ठान लिया। He asked the employee of the post office to give money, उसने अपने पोस्ट ऑफिस को जो employee थे उनसे कुछ पैसे मांगा। ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने सैलरी का कुछ हिस्सा भी दिया। बट दे वेयर एबल टू कलेक्ट ओनली अ लिटिल मोर देन द हाफ ऑफ द मनी रिक्वेस्टेड फॉर बाय द लेंचो। लेकिन उन्होंने मात्र आधे से कुछ ज़्यादा पैसे मात्र इकट्ठा कर पाए जो लेंचो मांगा था। द पोस्ट मास्टर पुश द मनी इन द इन्वॉल्व। पोस्ट मास्टर उस मनी को इन्वॉल्व में रख दिया। एंड एड्रेस इज टू लेंचो, और लेंचो का उस पर एड्रेस लिख दिया। Then suddenly दूसरा जो संडे था, लेंचो केम अगेन। लेंचो फिर से आया टू द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में ही आस्क्ड इफ देयर वॉज एनी लेटर फॉर हिम, और उसने पूछा क्या मेरे लिए कोई लेटर है। द पोस्ट मास्टर टूक आउट द लेटर एंड गेव इट टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को निकाला और लेंचो को दे दिया। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू एट द सीइंग द मनी। लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ पैसे को देखकर। बट वेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब वो पैसे गिना, ही बिकेम एंग्री, वह गुस्सा हो गया। ही थॉट दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने सोचा कि भगवान मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। ही टुक पेपर एंड इंक एंड रॉट अनदर लेटर टू गॉड, उसने पेपर और इंक लिया और दूसरा लेटर गॉड को लिखा। देन ही पुट द लेटर इन द लेटर बॉक्स, और फिर से वो लेटर को लेटर बॉक्स में डाल दिया। ठीक है। लेंचो हैड गॉन। लेंचो के जाने के बाद द पोस्ट मास्टर एंड द एम्प्लॉयज रेड द लेटर। पोस्ट ऑफिस क्या जो एम्प्लॉय थे और जो पोस्ट मास्टर थे वो उस लेटर को पढ़ते हैं। लेंचो हैड कंप्लेन टू गॉड, लेंचो ने भगवान के पास शिकायत किया था दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पैसो, कि उसको मात्र अभी 70 पैसो मिला है। दिस टाइम ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी, इस बार भगवान से वो रिक्वेस्ट किया है कि और जो बाकी पैसे हैं उसको भेज देने के लिए। बट ही आस्क्स गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल, लेकिन इस बार उसने भगवान से अनुरोध किया है कि जो पैसे हैं वो मेल से ना भेजे। ही रोट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेयर, उसने लिखा जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज से वेयर अ बंच ऑफ क्रूक्स, वो बदमाशों का वो झुंड है। सो इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर का एक अच्छा खासा एक छोटे में एक समरी दे दिया है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन। बाय बाय इन द नेक्स्ट लेक्चर।